भाजपा जिला मंत्री स्वर्गीय बुधराम करटाम के किलेपान निवास पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री डी पुरंदेश्वरी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव एवं संभाग प्रभारी और राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे। पुनः की गई जांच की मांग, कहा हम पुलिस जांच से संतुष्ट नहीं है। जी बताएंगे भी। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, हमारे पार्टी के जिले के मंत्री रहे बुधराम करटामी जी के घर उनके परिजनों से मिलने आए हैं। बुधराम करटामी जी का इस तरह असमय चला जाना न केवल उनकी पत्नी, उनके तीनों बेटियों के लिए अपूर्णीय क्षति है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अपूर्णीय क्षति है। गांव के लोग, परिचित लोग, जिस प्रकार से जो घटना के तत्काल बाद पहुंचने वाले लोग हैं, वो जो तथ्य बता रहे हैं, वो तथ्य ठीक प्रकार से, उन तथ्यों की जांच हो, प्रारंभिक तौर पर जांच करके पुलिस ने घटना को एक्सीडेंट बताने का जो किया है वो ठीक नहीं है। घटना की बारीकी से जांच हो और जो अनेक प्रकार के तथ्य गांव के लोग, परिचित लोग बता रहे हैं, उन तथ्यों की बारीकी से जांच हो और परिवार को, हम सब लोगों को न्याय मिले। ये घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। इस क्षेत्र के बहुत ही सक्रिय, सजगता से काम करने वाले, हिंदुत्व के लिए काम करने वाले, भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले, जनता के लिए हमेशा उपलब्ध रहकर जनसेवा करने वाले बुधराम करटामी जी का इस प्रकार से चला जाना, ये संदेह को जन्म देता है। और घटना के बाद सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों में जो प्रतिक्रिया आई है, यह भी बड़े संदेह को, बड़े घटना को बताता है। इसलिए पुलिस प्रशासन बारीकी से इस घटना की जांच करे और परिवार को न्याय मिले। हमें किसी तरह से भी भरोसा नहीं हो रहा है कि एक्सीडेंट है, और इसलिए पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच करे ताकि न्याय हो सके।